हेलो पार्टनर्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शेरल्स ऑक्सीडम ब्लीच। इसे हम फेस एंड नेक पे यूज़ करते हैं और इसका टाइमिंग है 20 मिनट्स। ब्लीच के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन सेटअप को रेडी करेंगे। सेटअप रेडी होने के बाद हम कस्टमर से कुछ कंसल्टेशन करेंगे, जिसमें हम उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम ब्लीच कब करवाया था, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है जैसे स्किन पील या लेज़र, या उन्हें किसी ब्लीच से एलर्जी तो नहीं है। पार्टनर्स, प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल जाए कस्टमर को ब्लीच से कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम यूसी क्लेंजर की हेल्प से कस्टमर का मेकअप रिमूव करेंगे। अगर उन्होंने लिपस्टिक या कुछ भी आई मेकअप लगाया है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। कस्टमर के फेस पे क्लेंजिंग करेंगे। इसके लिए आप यूसी क्लेंजर की हेल्प से कस्टमर के पूरे फेस पे क्लेंजिंग कर सकते हैं, जिससे कि उनके फेस का डर्ट और डस्ट अच्छे से रिमूव हो जाए। फेस और नेक एरिया पे अच्छे से क्लेंजिंग करें 3 मिनट्स तक। क्लेंजिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम दो वेट कॉटन की हेल्प से क्लेंजर को फेस पर से साफ कर देंगे। इसके बाद आप मेजरिंग स्पून की हेल्प से ब्लीच और एक्टिवेटर को मिक्स कर लीजिए। एक बड़ा स्पून क्रीम और एक छोटा स्पून एक्टिवेटर आपको स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम कस्टमर के फेस पे प्री लोशन को अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट ड्रॉप्स को कस्टमर के फेस पे डाल के अप्लाई कर सकते हैं। प्री लोशन को अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड कर दीजिए। बाद ब्रश की हेल्प से फेस और नेक पे ब्लीच को अच्छे से लगा दीजिए। ध्यान रखें आईज के पास में ब्लीच को अप्लाई ना करें। फेस और नेक ठीक से कवर होने के बाद आपको 10 टू 15 मिनट्स तक वेट करना है। बीच में 10 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक जरूर कर लें कि हेयर पे ठीक से कलर आ गया है या नहीं, या कस्टमर को कुछ रेडनेस या रैशेस का इशू तो नहीं हो रहा। 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आप स्पैचुला की हेल्प से ब्लीच को रिमूव कर दीजिए। स्पैचुला से ब्लीच को क्लीन करते हुए आप टिश्यू के ऊपर पूरा ब्लीच ले सकते हैं। Thank you.
बाद वेट नैपकिन से पूरे फेस को अच्छे से साफ कर दीजिए। ड्राई टिश्यू का यूज करते हुए आप एक्सेस वाटर को फेस पर से क्लीन कर दीजिए। और ब्लीच का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट ब्लीच कस्टमर के फेस पे अप्लाई कर दीजिए। सनलाइट में जाते